हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्वयं से सीखे के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोट के ऐसे नेक बैंड्स के बारे में जिनकी प्राइस 999 या उससे कम है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बोट के ही नेक बैंड परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडियन कंपनी है और लगभग 8-9 साल पुरानी ट्रस्टेड कंपनी है। तो इसमें हम सिर्फ बोट के ही नेक बैंड के बारे में डिटेल में बात करेंगे, हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और ये सभी नेक बैंड आपके एक प्राइस रेंज 999 से कम में होने वाले हैं। तो आप चूज़ कर पाएंगे कि इस प्राइस रेंज में आपके लिए कौन सा वो नेक बैंड है जो ज़्यादा बेहतर है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। पहला जो नेक बैंड है बोट का, वो है बोट रोकर्स 245 प्रो। इस नेकबैंड की जो प्राइस है वो है 899, मतलब 900 रुपये। लेकिन यदि इसका ब्लू परचेस करते हैं आप, तभी आपको ये प्राइस मिल पाएगा। यदि आप इसका दूसरा वेरिएंट, दूसरा कलर परचेस करते हैं, तो इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। यदि इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको बीस्ट मोड मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यदि आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ लो लेटेंसी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 40 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी यहाँ पर आपको मिलती है, जो मुझे लगता है कि जितने हम आगे बात करने वाले हैं नेकबैंड्स उसमें सबसे कम होने वाली है। साथ साथ आपको यहाँ पर 10 मिनट के चार्जिंग में 10 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। और यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको जो प्लेबैक टाइम मिलता है वो 20 घंटे का ही मिलता है, जबकि अदर जो ब्लूटूथ होते हैं उनमें लगभग आपको 30 घंटे 40 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलता है। तो यहाँ पर वो टाइमिंग थोड़ा सा कम है। वो ब्लूटूथ 5.2 मिल जाता है और ड्यूल पेयरिंग यहाँ पर मिल जाती है, दो डिवाइस आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप, ये स्वेट रेसिस्टेंट भी है, तो आपको स्वेट वगैरह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ENX टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसमें बोट का ये कहना है कि ये नॉइस कैंसिलेशन करता है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो बाहर का जो नॉइस होता है, हॉर्न की आवाज़ हो गई या पैन की आवाज़ हो गई, तो वो ये कैंसिल करके सामने वाले तक क्लियर आवाज़ पहुँचाता है। तो ये नेकबैंड आप परचेस कर सकते हैं अमेज़ोन से। इसके अलावा जो नेक्स्ट नेकबैंड है बोट रोकर्स 205 प्रो, ये भी आप अमेज़ोन से परचेस कर सकते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें कुछ नई चीज़ें ये हैं कि इसमें आपको जो प्लेबैक टाइम मिलता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको 30 घंटे 30 घंटों का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। और एक और अच्छी बात यहाँ पर आपको जो मिलती है वो ये है कि इसमें आपको जो 10 मिनट में चार्जिंग मिलता है वो 12 घंटा का मिलता है, जबकि अदर जो नेकबैंड है उसमें 10 मिनट में 10 घंटे का ही आपको चार्जिंग मिलता है। जैसे कि हमने पिछले वाले नेकबैंड के बारे में बात की थी कि वहाँ पर आपको 40 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलने वाली है, यहाँ पर आपको वो लेटेंसी बढ़कर 65 मिलीसेकंड हो जाती है। तो यदि आप गेमिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा लेटेंसी यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगी। इसके साथ साथ आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलने वाला है, और इसके अलावा ड्यूल पेयरिंग भी आपको मिलने वाली है, इससे आपको 2 डिवाइस में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ES टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, जिससे आपका नॉइस कैंसिलेशन अच्छा हो पाएगा। जनवरी 2022 में ये लॉन्च हुआ था, लगभग 2 साल पुराना नेकबैंड है, लेकिन इसकी जो रेटिंग्स है वो 3.9 यहाँ पर रेटिंग आप देख सकते हैं। और लेकिन इतने सालों में, 2 सालों में भी बहुत कम लोगों ने इस पर रेटिंग दी है, लगभग 13,412 लोगों ने ही यहाँ पर अभी रेटिंग दी हुई है। तो बाकी अदर जो नेकबैंड है उनसे काफ़ी, क्योंकि दूसरे जो नेकबैंड है उनमें लाखों लोगों ने अपनी रेटिंग दी हुई है, तो उनसे इनकी रेटिंग्स थोड़ी सी कम लोगों ने दी हुई है। ब्लैक, ब्लू और रेड, ऐसे 3 कलर ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको जो भी इसमें से पसंद आता है, अच्छा लगता है, वो आप परचेस कर सकते हैं। अगला जो नेकबैंड है वो है बोट रोकर्स 245 V2 Pro। ये ऐसा नेकबैंड है जिसमें लगभग 8-9 कलर आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। उसमें यदि आप कोई कलर चूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा प्राइस यहाँ पर बढ़ सकता है। कभी कभी ये जो नेकबैंड है ये 1000 से ऊपर भी चला जाता है। अभी जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो 999 में ये अवेलेबल हो रहा है। इसकी स्पेसिफिकेशन की यदि बात करें तो इसमें भी आपको 30 घंटे का ही प्लेबैक टाइम मिल जाता है, और 10 मिनट के चार्जिंग में 10 घंटे की प्लेबैक यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। ENX टेक्नोलॉजी आपका नॉइस कैंसिलेशन के लिए आपको मिल जाती है। बेस्ट मोड यहाँ पर भी आपको मिलता है, जो कि लो लेटेंसी आपको दे सकता है। ब्लूटूथ 5.2 है, यहाँ पर आपको ड्यूल पेयरिंग मिलती है, इसे आपको 2 डिवाइस से एक साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर्स ने इसको परचेस करने के बाद 3.9 स्टार दिए हुए हैं, और यहाँ पर रेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1,07,000 लोगों ने यहाँ पर रेटिंग दी हुई है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इसे परचेस करके यूज़ किया, तो आप अमेज़ोन पर जाकर भी इसकी जो रेटिंग्स है वो देख सकते हैं, और अमेज़ोन पर इसके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। चलिए अमेज़ोन से फ्लिपकार्ट की ओर बढ़ते हैं, और फ्लिपकार्ट में पहला जो नेकबैंड है वो है बोट रोकर्स 235 प्रो। ये जो नेकबैंड है ये आपको 999 रुपये में मिलता है, यदि आप ब्लू परचेस करते हैं। यहाँ पर 2 कलर ऑप्शन और अवेलेबल है, यदि आप ग्रे परचेस करते हैं या फिर ब्लैक परचेस करते हैं तो इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपको ब्लू यदि परचेस करना है तो आप सस्ते में परचेस कर सकते हैं।
स्पेसिफिकेशन की यदि बात करें तो यहाँ पर प्लेबैक टाइम फिर से घटकर 20 घंटे हो चुका है और इसकी डिज़ाइन मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी, कुछ अजीब सी डिज़ाइन लगती है मुझे इसकी। तो यहाँ पर भी नॉइज़ कैंसिलेशन मिलता है, यहाँ पर भी आप 10 मिनट की चार्जिंग में 10 घंटे का प्लेबैक टाइम ले सकते हैं। क्लियर वॉइस यहाँ पर भी आपको मिल जाती है, साथ साथ आपको यहाँ पर एक वाइब्रेशन अलर्ट मिल जाता है जिसमें जब कॉल्स आते हैं तो ये आपका जो नेकबैंड है वो वाइब्रेट करता है। तो ये एक नई फंक्शनलिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसकी स्पेसिफिकेशन में कहीं भी नहीं दिया गया है कि इसमें लो लेटेंसी आपको मिलती है या नहीं मिलती है। नेक्स्ट जो नेकबैंड है वो मेरा फेवरेट नेकबैंड है क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ इसकी स्पेसिफिकेशन भी इन सभी में बहुत अच्छी है। दोस्तों इसका जो नाम है वो है बोट रॉकर्स 110। दोस्तों इसकी प्राइस भी इन सभी में कम है। यदि आप इसका ब्लैक परचेस करते हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं 799 रुपये में। यदि इसको पर्पल आपको परचेस करना है तो आपको 999 रुपये देना होगा और यदि आपको यहाँ पर ग्रीन परचेस करना है तो 899 रुपये में काम हो जाने वाला है। चलिए स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी कम में काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको 40 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल रहा है जो कि पिछले बताए हुए सभी नेकबैंड में सबसे ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्लेबैक टाइम मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा समय तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको 10 मिनट में 10 घंटे का प्लेबैक टाइम चार्जिंग करने पर मिल जाएगा। टाइप सी का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो इनेक्स टेक्नोलॉजी नॉइस कैंसिलेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर भी आपको मिल जा रही है। इसके अलावा आपको बीस्ट मोड जो है जिसमें लो लेटेंसी मिलती है वो भी यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर 5.2 नहीं है, 5.3 का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो इसमें भी अच्छी बात है। और ड्यूल पेयरिंग का ऑप्शन यहाँ भी आपको मिल जाता है। IPX5 स्वेट एंड वाटर असिस्टेंट भी है और इसके साथ साथ इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी डिसेंट मुझे लगती है। इसके कलर्स जो है वो काफ़ी डिसेंट है, उसकी जो फंक्शनैलिटी के जो बटन्स है वो भी काफ़ी डिसेंट और काफ़ी छोटे छोटे से हैं। तो इसलिए डिज़ाइन के मामले में ये इन सभी नेकबैंड्स में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। अक्टूबर 2023 में ये लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अब तक की जो इसकी फ्लिपकार्ट पर रेटिंग है 4.5 स्टार की रेटिंग है जो काफ़ी अच्छी है और लगभग 30,000 लोगों ने इसको रेटिंग दी है फ्लिपकार्ट पर। अगला जो नेकबैंड है वो है अक्टूबर 2023 में लॉन्च हुआ बोट रॉकर्स 260। ये एक ऐसा नेकबैंड है जिसमें आपको 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें ऑरेंज और ग्रीन परचेस करने पे आपको ये 799 रुपये में ही मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों ही कलर मुझे उतने अच्छे नहीं लगे हैं, इसका कलर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा जो ऑरेंज वाला कलर है। यदि पर्पल कलर आपको पसंद है तो आपको लगभग 1300 रुपये देना पड़ेगा, तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। लेकिन ब्लू कलर यदि आप परचेस करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको 899 रुपये में ब्लू कलर मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको 20 मोड मिल जाता है जिसमें आपको लो लेटेंसी का ऑप्शन मिल जाता है, इनेक्स टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि नॉइज़ कैंसिलेशन का काम कर देती है। इसके अलावा 10 मिनट में 10 घंटे का प्लेबैक यहाँ पर आपको मिलता है। साथ साथ इसमें जो प्लेबैक का टाइम है वो बाकी नेकबैंड से थोड़ा सा कम हो गया है। हालांकि 20 घंटे से तो ज़्यादा है लेकिन 30 घंटे और 40 घंटे से कम है, मतलब 25 घंटे का यहाँ पर आपको प्लेबैक का टाइम मिल जाता है। स्वेट असिस्टेंट, वाटर असिस्टेंट और ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट एंड ड्यूल पेयरिंग, ये सब भी आपको यहाँ पर फंक्शनलिटी मिल जाती है। चलिए अंत में यदि इनके सभी की डिज़ाइन और यदि इनकी मजबूती की बात करें तो सभी ही सिलिकॉन के बने हुए हैं, सेम मजबूती आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसके अलावा यदि इनके ड्राइवर्स की बात करें, साउंड की बात करें, तो सभी में सिग्नेचर साउंड लगभग आपको मिल जाता है। तो सभी में 10 mm के ही ड्राइवर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो लगभग साउंड सभी में सेम होने वाला है। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा नेकबैंड अच्छा लगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मेरा फेवरेट कौन सा है, यदि आपने स्किप किया होगा तो आपको वो छूट गया होगा, तो आप पीछे जाके फिर से देख सकते हैं कि मेरा फेवरेट कौन सा है इनमें से। इन 6 नेकबैंड में से आपको जो अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी आप ऑलरेडी कौन सा नेकबैंड यूज़ कर रहे हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है या वो आपको क्यों पसंद है या उसमें यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को बता सकूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।